नमस्कार किसान साथियों आजकल मुझे माइकोराइजा के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हैं और विभिन्न फसलों में उसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं इस पर बहुत किसानों ने पूछा है आजकल किसान भाई गेहूं की बुआई कर रहे हैं और अब से लेकर लगभग 25 दिसंबर तक इसकी बुआई करेंगे इसीलिए मैंने इस वीडियो में चार बातें बताने का निर्णय लिया है पहला भाग है कि मैंने जो अपने गेहूं बोए हैं वो किस प्रकार बोए हैं और किस प्रकार उसमें माइकोराइजा का प्रयोग किया है आपको याद होगा मैंने एक रील दिखाई थी जिसमें मैंने उड़द जो हरी खाद के रूप में मैंने बोया था उनको अपने खेत में मिलवा दिया था उसके बाद मैंने उस खेत में जुताई कर उसमें लेजर लगवाया था यानी खेत को समतल कराया था समतल करने के बाद में मैंने उसमें वर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, बेसिलस सबटिलिस तीनों को मिलाकर उसमें छिड़काव किया था और थोड़ा उसे मिट्टी में मिलाकर पानी दे दिया था जिसे हम पलेवा कहते हैं उसके लगभग 10 दिन बाद मैंने उसकी जुताई कराई और जुताई करने के बाद मैंने उसमें गेहूं बोया श्रीराम का 303 उस गेहूं को मैंने माइकोराइजा से उपचारित किया और उसे माइकोराइजा से उपचारित करने के लिए मैंने उसमें सागरिका और ह्यूमेसू जो इफ्को के प्रोडक्ट है थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसके ऊपर उसका छिटकाव किया पानी में मिलाकर जिससे कि माइकोराइजा उस पर अच्छी तरह से चिपक जाए उसे कुछ देर छाया में रखने के बाद में मैंने मशीन मंगाई और मशीन के एक हिस्से में मैंने वो गेहूं डलवाया और दूसरे हिस्से में मैंने जो एनपीके के है बारह बत्तीस सोलह उसको डलवाया और उसकी खेत में बुआई की पंद्रह नवंबर को आज बाईस नवंबर है और मैं एक गेहूं अपने यहां जो जम गए हैं ये देखिए इनका जमाव ऐसा हुआ है और मैं एक वहां से ये पेड़ लेकर आया हूं जो छोटा सा पौधा है ये देखिए ये है आज इसकी स्थिति इस प्रकार अगर आप इसे देखेंगे मैं इसकी मिट्टी हटाता हूं ये देखिए तो इसमें कितनी जड़े है कुछ भाइयों ने ये सवाल किया था कि नहीं इसमें एनपीके के साथ में नहीं मिलाना चाहिए मैंने एनपीके के साथ नहीं मिलाया इसको एनपीके जब मशीन से बोते हैं तो जो दाना होता है जो ये बीज होता है इससे कुछ नीचे होता है और मैंने ये बीज उपचारित किया था आप देख रहे होंगे ये बीज है देखिए आप इसमें से अंकुर निकला है और ये जड़े हैं। इस बीज पर चूंकि माइकोराइजा था तो जैसे ही जड़ निकली तो माइकोराइजा ने अपना असर करना शुरू किया और माइकोराइजा चूंकि इससे भोजन भी लेता है और ये फंगस जो है ना अच्छी तरह से फैलती है ये देखिए ये पंद्रह और सात बाईस सात सातवा दिन है इस पौधे की जड़े इतनी अच्छी है ये तो हुआ कि मैंने इसे किस प्रकार बोया अब हम बात करते हैं कि अगर आप गेहूं बोने की तैयारी कर रहे हैं तो इसे किस प्रकार करेंगे किसान साथियों मेरी ये अनुशंसा है कि आप जुताई के टाइम इसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट में जैसे एक एकड़ में एक क्विंटल ले लीजिए उसमें ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास और बेसिलस सबटिलिस इन तीनों को एक एक पैकेट एक एकड़ -एक के लिए मिलाकर अवश्य दे और अपने गेहूं को माइकोरा जो बीज है उसको माइको राजा से अवश्य उपचारित करें और उपचारित करने के लिए ताकि ये अच्छी तरह उस पर चिपक जाए उसके लिए आप सागरिका या ह्युमेसू या दोनों थोड़ा पानी में मिलाकर उसके ऊपर छिटका लगाइए और फिर उसके ऊपर लेकर इस जैसे मैंने किया है उस प्रकार कर दीजिए बीज बोइए बहुत अच्छी पैदावार होगी अब अगर आप अपने खेत में पलेवा कर रहे हैं पानी दे रहे हैं पहले तो उस टाइम ये बायो कंट्रोल एजेंट माइक ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास बेसिलस सबिस्ट डालिए जिससे जब तक गेहूं बोने के लिए खेत होगा वो बहुत अच्छी कॉलोनी डेवलप हो जाएगी और कई तरह के पैथोजेंस और फंगस जो हानिकारक है उसका ये जो है ना उससे पौधों की रक्षा करेगी जब आप बीज बोएंगे अगर वहां पर दो कार्य है या तो आप छिटका देकर बो रहे हैं अगर छिटका देकर बो रहे हैं तो छिटका देकर खाद बोइए और उसमें फिर आप बीज को उपचारित कर बो आ, उसको भी छिटका दे दीजिए और उसको बो दीजिए जैसे भी आप बोते हैं अगर आप मशीन से बो रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा चूंकि खाद और दाने के बीच में थोड़ी सी उसमें दूरी होगी ऐसा नहीं है कि अगर मान ली किसी बीज के पास भी बिल्कुल खाद हो गया तो थोड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए खाद की मात्रा थोड़ी कम रखें लेकिन बीज को अगर उपचारित कर लेंगे तो उससे कहीं हो सकता है कि माइकोराइजर नहीं काम करे लेकिन अधिकतर जो बीज है जो दाने हैं अंकुर है उनमें यह काम करेगा इसलिए इसे आप इस प्रकार दे सकते हैं तीसरी जो चीज है कि मुझे कुछ लोगों ने बताया है किसानों ने बताया है कि क्या माइकोराइजा का हम पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं या गेहूं के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं या कोई और फसल भी है कॉटन है किसी भी चीज के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों मैं बड़े ताजुब में हो गया कि क्या ये संभव है ऐसा मत कीजिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है पंजाब के कुछ किसानों ने मुझे कहा कि यहां पर जो एक कंपनी है जिसका प्रीमियम वैम एच आता है उसका स्प्रे करा रहे हैं कृपया करके इसका स्प्रे न करें क्योंकि जब तक ये जड़ के संपर्क में नहीं आता इसका कोई फायदा नहीं होता हाँ जिस प्रकार मैंने बताया था कि टाटा रैली गोल्ड है उसमें थोड़ा ह्यूमिक एसिड मिला हुआ है अमीनो एसिड है उससे फायदा हो सकता है लेकिन माइकोराइजा का कोई भी फायदा नहीं होगा इसलिए आप उसे छिड़काव में या स्प्रे में बिल्कुल भी नहीं करें ये इस बात के प्रमाण आपको कई जो रिसर्च पेपर है उनमें मिल जाएंगे मैं क्यों कर रहे हैं ऐसा वे ही बता चौथा है अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम इसे वैश्य दिगमपुर के साथ मिला सकते हैं क्या जीवा मृत के साथ मिला सकते हैं क्या इसके साथ मिला सकते हैं किसान साथियों जितने भी जैविक लिक्विड है या तरल पदार्थ हैं अगर आप पानी की साथ दे रहे हैं किसी के पास ड्रिप है आप ड्रिप से दे रहे हैं आलू की फसल में या दूसरी तरह से दे रहे हैं या पानी में देना चाहते हैं ये असर करेगा लेकिन उतना असर नहीं करेगा क्योंकि जब तक ये जड़ से नहीं चिपकेगा उसके पास नहीं जाएगा तब तक इसका उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए हाँ थोड़ा फायदा अवश्य मिलेगा तो आप इनमें से किसी के भी साथ दे सकते हैं लेकिन कोशिश ये करिए कि इसके साथ अधिकतर को न मिलाएं इसे मिलाकर पानी में घोलिए आप इसे ह्यूमिक एसिड के साथ दे सकते हैं आप इसे सी वीड जो सागरिक आता उसके साथ मिलाकर दे सकते हैं लेकिन अगर दूसरों के साथ दे रहे हैं तो थोड़ा अंतर रखिए दूसरे पानी पर दे दीजिए उनको अगर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा किसान साथियों थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति जो माइकोराइजा पर गेहूं में किस प्रकार प्रयोग करते हैं हाँ, इसे अवश्य करिए इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए अधिकतर जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने रिसर्च की है वो बताती है कि इसको जो सब्जियां होती हैं जैसे गोभी है बैंगन है जैसे ब्रोकली है इस प्रकार के पालक है इस प्रकार की जो सब्जियां होती है उसमें इसका फायदा नहीं होता है ऐसा मुझे पता चला है इसलिए आप अपने गेहूं में इसे अवश्य करें और खुश रहें। इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे